नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है ये सिर्फ और सिर्फ कुबेर यंत्र और श्री यंत्र के ऊपर है। मैं फिर से बता दूं, 4-5 साल पहले मेरा एक एपिसोड आया था इसके ऊपर, लेकिन बहुत लोगों ने इसे सराहा, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि आप हमें कुछ और बताएं। तो आज हम बात करेंगे श्री, जिसके अंदर 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, श्री यंत्र और कुबेर। कुबेर को बोला जाता है आज की भाषा में RBI गवर्नर। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कुबेर और श्री यंत्र की, इसे किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इसके रिजल्ट्स बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें नहीं आ रहे, हमने लगाया है, हमने पंडित जी से लिया है, हमने सिद्ध करा, ये करा, वो करा, तो कहां पे रिजल्ट रुक गया इसका। आज हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट के पीछे रुकने का सबसे बड़ा लॉजिक रीजन क्या है। तो मैं बता दूं, आपने बहुत भारी भरकम पेमेंट रकम पे कर दी है, उसको बहुत ही विधि पूर्वक बनाया गया है, बताया गया है, उसके ऊपर मंत्र उच्चारण करे गए हैं, सिद्ध किया गया है, दीपावली को, छोटी दीपावली को, नवरात्रों में, जो भी कच्चे मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त होते हैं, लेकिन रिजल्ट 5-10% आ रहा है। अब मैं बता दूं, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उनके पास श्री और कुबेर हैं, यंत्रों की बात कर रहा हूं मैं, कोशिश करें उससे पूर्व डायरेक्शन की ओर लगाएं। जिधर से सूर्य निकलता है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, उस वॉल पे लगा दें। आपके घर के अंदर जो मंदिर होता है ना, वो पूर्व की तरफ ही होता है। मोर देन 30-40% लोगों ने पूर्व की तरफ बना रखा है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, साउथ में बना के बैठा हुआ, कोई फ्रिज के ऊपर बना के बैठा, क्योंकि हो सकता है जगह की प्रॉब्लम भी हो, जहां अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, उसकी वजह से भी गलत रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की तो गेम है सारी। अब बात कर रहे हैं श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि धन आए आपको जो श्री और कुबेर है, देखिए क्या होता है, धन इकट्ठा होना एक अलग चीज, जैसे बोला जाता है कि आप साउथ में इसे लगा दें, लेकिन आना भी तो चाहिए भैया। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा, तो हाउ टू पॉसिबल, आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यहां पे बताता हूं, ये चलित होते हैं, सुनिएगा, श्री और कुबेर ये चलित हैं। चलित का मतलब, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी अगर आ रही है, घर में समृद्धि ला रही है, बरकत ला रही है, पैसा आ रहा है, उससे हैप्पीनेस, मांगलिक शुभ कार्य हो रहे हैं, तो चलित होता है, आया और उसको आपने लगाया और आगे वो पैसा चला गया अच्छे कामों में। अब बात कर रहे हैं, अगर आप ये गलती कर बैठे हैं, आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज हमारे साथ हो चुकी है, तो कोई डरने घबराने वाली जरूरत नहीं, अभी के अभी उसे आप उतारिए, मंदिर नहीं है पूर्व में कोई बात नहीं, आप उसे तो लगा दें, आप उसे वॉल पे लगा दें, हैंग कर दें। हां एक चीज और मैं बता रहा हूं, सबसे जरूरी, आपने उसे सोने वाले कमरे में नहीं लगाना, ये बहुत खास ध्यान रखने वाली चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने उसे वहां पे नहीं लगाना जहां पे बेड है, वहां पे नहीं लगाना जहां पे आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, खाना, ये सब चीजों से परे होकर लगाना है। और दूसरी चीज, अगर आप इसकी पावर और इंक्रीज करना चाहते हैं, आपके मंदिर बना हुआ है, आपने वहां पे स्थापित कर दिया है, इसके नीचे आप लाल रंग का कपड़ा रखिएगा। दूसरा, इसके सामने आपने कॉपर की गड़वी, जिसे हम बोलते हैं कि ये छोटी सी गड़वी होती है, जब जो लोग इसे गड़वी को नहीं समझ पा रहे उसे लोटा बोला जाएगा, कॉपर का ले लें, उसमें आप पानी भर दें, थोड़े से चंद सिक्के डाल दें, कॉइंस, उसको रखें उसके सामने। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, चंद दिनों के अंदर ही कुबेर और श्री आपको वो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा। तो दोस्तों ये कुछ गलतियों की वजह से वो कुबेर और श्री हमें रिजल्ट नहीं दे पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गलतियां अगर आप भी कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव भी कर रहे हैं, तो ये जो एपिसोड है उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं, पता लगे कि कहां पे गलती क्या हो रही है। अब बात करते हैं, जहां पे आपने कुबेर और श्री रखना है वहां पे धूप, जोत, अगरबत्ती जरूर जलाएं, क्योंकि वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एपिसोड है इसको ज्यादा लेंथी ना किया जाए, अगला एपिसोड के अंदर आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी रिलेटेड टू श्री और कुबेर। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप समझेंगे और इसे फॉलो करेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप करेंगे ही करेंगे।
जब आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, चारों दिशाएं आपकी जाग पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन बहुत छोटी, फायदे बहुत बड़े, इसके ऊपर और भी एपिसोड लेकर आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक आईडी हमारी बन चुकी है, उस पर जाइए, हमें फॉलो करिए। एवरीडे आपको नॉलेजेबल टिकटॉक आएगा, उसे फॉलो करिए। और ये जो नंबर देख रहे हैं नीचे 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू। कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन सा नगीना आपके लिए, आपके पारिवारिक सदस्य के लिए है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है, यू कैन सेंड योर ऑल बर्ड डिटेल्स, आपको प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करिए। हमारी कोई भी सर्विसेज फ्री नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि हमारी भी आगे पीआर एजेंसी है जो इसे ऑपरेट करती है, तो उनको भी सैलरीज देनी है। हर एक बंदा आपको पता है काम कर रहा है, तो डेफिनेटली पेड सर्विसेज है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।